है, दमा कहते दम के साथ जाता है, दमा दम के साथ नहीं जाता, मैं लगभग दूसरे दिन तीसरे दिन रिजल्ट दे दूं उसका भी मैं। दमे, हमने सुना कि पीढ़ी दर पीढ़ी चार पीढ़ियों से यही काम करने लग रहे हैं आप। मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ और मेरा बेटा और पुत्र वधू चौथी पीढ़ी के अंदर आ चुके हैं जी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, बहुत सारे साथियों के फोन आने लग रहे हैं कि भाई देसी तरीके से आयुर्वेदिक तरीके से हम इलाज करवाना चाहते हैं। तो भाई फिलहाल जींद जिले में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है, जींद शहर में ज्ञान तारा रोड और ज्ञान तारा ही औषधालय है। भाई फिलहाल ये तमाम तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि भैया अजय भाई, बहुत सारे जो मरीज हैं उनके फ़ोन आते हैं कि भैया आयुर्वेदिक तरीके से हम इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन भाई बहुत सारे वैद्य की हमने वीडियो बनाई है, लेकिन आज वाली जो ये वीडियो भैया अनोखी वीडियो है, क्योंकि दादालाई जो वैद्य है भाई वो परंपरा चलाए हुए हैं। फिलहाल राधे श्याम जी से हम मिलवाएंगे जिनका दादालाई काम है। कहावत हरियाणवी में आपने सुनी होगी कि दादा ले और पोता बरत है, तो भाई दादा बेटा पोता सब इसी काम में समाज सेवा में लग रहे हैं। फिलहाल राधे श्याम जी से भी हम मिलवाएंगे। ये दिखा दीजिएगा जिनकी चार पीढ़ियां लगातार समाज सेवा में ही लगी हुई है, स्वर्गीय वैद्य ताराचंद जी, ओम प्रकाश जी और अब राधे श्याम और इनके बेटे जी, यानी कि जो चार पीढ़ियों से लगातार समाज की सेवा करने लग रहे हैं। फिलहाल मुलाकात भी करवाएंगे राधे श्याम जी। सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। राम राम जी। राम राम जी सभी दर्शकों, राम राम। और कैसे हैं जी? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा, हमने ये सुना जी आयुर्वेदिक तरीके से आप इलाज कर देते हैं देसी दवाइयों से। बिल्कुल, आयुर्वेदिक तरीके से करता हूँ और पीछे देख भी रहे हैं, सारी बस में वगैरह सारी खुद ही तैयार करता हूँ मैं। अच्छा राधे श्याम जी, हमारे दर्शकों को बताइएगा एक बार भी किन किन बीमारियों का आप इलाज करते हैं। जैसे वीट की एलर्जी है जी, जो गेहूं की रोटी नहीं खा पाता बच्चा, मैं 15-20 दिन के बाद गेहूं की रोटी खिलाना शुरू कर देता हूँ। और दूसरा जैसे बच्चेदानी की रसोली है, कितनी बड़ी हो लगभग 20 mm तक की हो, उसको मैं निकाल देता हूँ। और जैसे आजकल बुजुर्गों को गदूद होते हैं, उसको डॉक्टर गदूद के ऑपरेशन बोलते हैं, मैं बगैर ऑपरेशन के उसको ठीक कर देता हूँ। बगैर ऑपरेशन को के आप गदूद को ठीक कर देंगे? तीसरे दिन रिजल्ट दे दूंगा। तीसरे दिन रिजल्ट, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं राधे श्याम जी। बिल्कुल जी, जैसे कई बार आप बुजुर्गों के अंडकोश बढ़ जाते हैं जी, अंडकोश भी मैं दूसरे दिन रिजल्ट दे दूंगा उसके। और जैसे दमा है, दमा कहते दम के साथ जाता है, दमा दम के साथ नहीं जाता, मैं लगभग दूसरे दिन तीसरे दिन रिजल्ट दे दूं उसका भी मैं। दमे का दूसरा तीसरे दिन रिजल्ट दे देते हैं? बिल्कुल दे देता हूं जी। जी, और जैसे बवासीर है, बवासीर तो दूसरे दिन रिजल्ट बवासीर में दे देता हूं मैं, बगंदर ऑफिसर कुछ भी हो। और जैसे आजकल कहते हैं थायराइड ठीक नहीं होती, थायराइड ठीक हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे शुगर की बात आती है, शुगर की दवा भी मैं तैयार करता हूँ और बिल्कुल रिजल्ट है, तीसरे चौथे दिन रिजल्ट दे देता हूँ उसका भी मैं। अच्छा राधे श्याम जी, एक बात बताइएगा, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं उनमें सेक्स प्रॉब्लम भी ज्यादा आती है, उसका इलाज भी आयुर्वेदिक तरीके से हो जाता है आपके यहाँ पर? बिल्कुल, आयुर्वेदिक तरीके से इलाज होता है और आना पड़ता है उसके लिए। उसके लिए आना पड़ता है? आना पड़ता है। एक सबसे जो बड़ी बात है वो हम आपको बताएंगे। बहुत सारे साथी जो सोचते हैं, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई है, वीडियो को देख करके जो पट्टी पे हम नंबर देते हैं आप फोन करते हैं, तो साथियों घर बैठे आप दवाई नहीं मंगा सकती हैं। ये वीडियो में हम आपको पहले ही बता देते हैं, आपको औषधालय पर आना पड़ेगा। ये बात सच है कि आप घर बैठे ऑनलाइन दवाई नहीं भेजते? नहीं, मैं किसी की दवाई कोई दवाई नहीं भेजता। ये क्या कारण है जी, दवाई क्यों नहीं भेजते आप? इसका सर शरीर के अंदर तीन दोष होते हैं भाई साहब जी, वात पित्त कफ जी, इन तीनों को दोषों को देखकर दवाई दी जाती है और उसी हिसाब से काम करते हैं। वात पित्त और कफ, वात पित्त कफ, पित्त कफ जी, उसी के हिसाब से दवाई काम करती है और इसीलिए आयुर्वेद फैल भी है। हाँ, कोई साबित कर दे भाई आपके दवाई के अंदर स्ट्रेट अप है या कुछ भी है, उसको 10,000 रुपये इनाम भी दूंगा मैं। अच्छा राधे श्याम जी, हमने ये बात सुनी है, देखो भाई बहुत बड़ी बात कह दी है भाई, दवाइयाँ में यदि कोई मिलावट बता दे किसी प्रकार की, भाई एलोपैथी बता दे या किसी प्रकार का और केमिकल इसमें बता दे, तो 10,000 रुपये इनाम राधे श्याम जी की तरफ से घोषणा है। राधे श्याम जी, हमने सुना कि पीढ़ी दर पीढ़ी चार पीढ़ियों से यही काम करने लग रहे हैं आप। मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ और मेरा बेटा और पुत्र वधू चौथी पीढ़ी के अंदर आ चुके हैं जी। और जैसे एक चीज और भूल गया मैं थोड़ा, जैसे पथरी का दर्द है, जितनी देर में आप चाय का आधा कप पियोगे ना, उतनी देर में दर्द ठीक कर दूंगा पथरी का, और पथरी तो निकाल ही देता हूँ मैं। यानी और बाकी एलर्जी है, शुगर है, बवासीर है, बगंदर है या सेक्स रोग है, जो भी प्रॉब्लम है सबका इलाज? सबका इलाज है। हाँ, मिलना पड़ेगा उसके लिए। अगर उसके लिए मिलना पड़ेगा, टाइमिंग क्या है, एड्रेस क्या, बताएंगे एक बार?
वैद्यराधेश्याम, ज्ञान तारा उद्यालय, ज्ञान तारा रोड, ज्ञान तारा कॉलोनी, जींद, हरियाणा। बिल्कुल, बाकी पट्टी पर ऊपर हमने जो नंबर दे रखा है भाई, आप फोन मिला के एक बार यहाँ पर विजिट करे, एक बार ये भाई ये दुआई दिखा दे आयुर्वेदिक तरीके से, तो खुद इन्होंने अपने हाथों से तैयार कर रखी है। राधे श्याम जी ये बताइएगा, इन दवाइयों को आप खुद तैयार करते हैं अपने हाथों? सारी दवाइयाँ मैं खुद तैयार करता हूँ, बस में वगैरह जितनी भी मैं खुद बनाता हूँ अपनी, बाजार की कोई नहीं है। तो कितने मतलब लोगों का आज तक आप इलाज कर चुके हैं, कितने लोगों के? मैं कई लाखों लोगों को ठीक कर, लाखों मरीज ठीक कर दिया आपने? हाँ, कई लाखों मरीज ठीक कर दिए जी। जी कितनी उम्र हो गई आपकी राधे श्याम? मेरी लगभग 47 साल की हो जी। चलो अंत में जो लाखों की संख्या में जो हमारे दर्शक है उनसे क्या संदेश, आप ग्राउंड मीडिया के माध्यम से क्या संदेश, क्या अपील आप करना चाहेंगे अंत में सर? मैं तो अपील ये कहूँगा आकर मिले और जो चैनल देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें जी। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, और जींद शहर में इस वक्त हमारी टीम मौजूद थी भाई, ज्ञान तारा रोड नहर के ऊपर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इसके नज़दीक जो नहर है, ये जो ज्ञान तारा रोड और ज्ञान तारा ही उस दल है। राधे श्याम वैद्य जी से आप यहाँ पर आकर के अपना चेकअप करवा सकते हो, और आयुर्वेदिक तरीके से किसी भी एलोपैथी की मिलावट नहीं है, खुद ये घोषणा करने लगे, उनको इनाम दिया जाएगा यदि कोई इस प्रकार की साबित कर दे कि इनमें एलोपैथिक दवाइयों की मिलावट है, तो इनाम देने के लिए भी तैयार है। तो भाई फिलहाल ये रोग आपको बता दें कि एलर्जी, बच्चेदानी की रसोली, अंडकोश वडाना, गद्दू पथरी, मोती जारा, थायराइड, गठियाबा, बवासीर, बगंदर फीसर, सेक्स रोग, शुगर व दमा, भाई किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आप यहाँ पर आकर के इलाज करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ऑनलाइन आपके पास दवाई नहीं भेजी जाएगी, आप यहाँ आकर के चेकअप कराएं, आपका पक्का इलाज होगा। वीडियो को शेयर करें, ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैरम से गिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।